हमारे मुमरा शहर में पहली बार क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट हुई है, जिसके कोच खुद जावेद जैस खान है, जो कि मुंबई रणजी ट्रॉफी के बड़े खिलाड़ी है। जावेद ने रणजी द गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर के साथ खेली है। जिस वक्त और भी बड़े खिलाड़ी पिच पर उतरे हुए थे, जावेद जैस ने बीड़ा उठाया है कि यूथ को क्रिकेट से जोड़ा जाए। कोचिंग मुमरा के जेके टर्फ में ही की जाएगी। ये टर्फ ऑल सीजन टर्फ है। स्कूल और ग्रुप कोचिंग भी की जाती है। मुंबई पुलिस कमिश्नर को MIM पार्टी की मुंबई महिला विंग की महिला कार्यकर्ताओं ने आज एक ज्ञापन सौंपा है। MIM पार्टी की महिला विंग की तमाम महिलाओं ने बताया है कि पुलिस ने गिरफ्तार किए आरोपियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सामने पेश करते हुए उनका चेहरा ढकने के लिए नकाब का इस्तेमाल किया है। महिलाओं का कहना है कि इससे उनके भावनाओं को ठेस पहुँची है। महिलाओं ने यह भी बताया कि बुर्का पहनने के बाद मुस्लिम महिलाएं अपने आप पर गर्व महसूस करती हैं। उन्हें इस बुर्के पर बड़ा नाज होता है। बुर्का पहनने के बाद वो फक्र महसूस करती हैं, मगर इस तरह से आरोपियों को मुस्लिम महिलाओं का बुर्का पहनाकर मीडिया के सामने पेश करना ये कहां तक सही है। महिलाओं ने इस दौरान तस्वीर भी दिखाई कि पुलिस ने किस तरह से आरोपियों को मीडिया के सामने पेश किया है। महिलाओं का कहना है कि ये तस्वीर भिमंडी शहर की है। आपको बता दें कि मुमरा कलवा MIM पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष सैफ पठान ने इस वीडियो के बारे में जानकारी मुंबई MIM महिला सेक्रेटरी जोहरा खान को दी थी, और सैफ पठान के आदेश पर जोहरा खान अपने महिला कार्यकर्ता शमा सैयद, नाज सलीम खान, बुशरा जिया खान, अमीन अकबर शेख, नसीम बानो के साथ थाने पुलिस कमिश्नर दफ्तर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। MIM पार्टी की महिला विंग की मुंबई महिला सेक्रेटरी जोहरा खान और शमा सैयद ने इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया है, सुनिए। पुलिस जो अपराधियों को पेश कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उसमें देखा जा रहा है कि महिलाओं का जो बुर्का है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, और आप लोग आज थाने CP ऑफिस गई थी, वहाँ पर मेमोरेंडम भी दिया है, तो क्या वहाँ से आप लोगों को आश्वासन दिया गया है? अस्सलाम वालेकुम, मैं जोहरा खान, MIM की मुंबई महिला सेक्रेटरी। इस वक्त मैं सैफ भाई के ऑफिस हूँ, जहाँ पे जो मुमरा और कलवा के प्रेसिडेंट हैं। हम लोग गए थे थाना और कमिश्नर ऑफिस, वहाँ पर हमने मेमोरेंडम दिया है कि आप जो हिजाब यूज़ कर रहे हो आरोपियों के लिए, तो वो हमारे बच्चों की यानी उनकी छवि ख़राब हो रही है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको बंद किया जाए। जो आप काली टोपी यूज़ करते हैं तो उसको वही यूज़ करें, हमारे नोज पीस का गलत इस्तेमाल नहीं करें, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप जो कर रहे थे वही स्टार्टअप दीजिए, काली टोपी नोज पीस मत यूज़ कीजिए हमारा। आपने लेटर जो वहाँ पर सबमिट किया है उसके बैकग्राउंड में कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी लगाए, तो क्या आप बता सकते हैं ये जो फ़ोटो आपने लगाए ये कहाँ के हैं, कौन से पुलिस स्टेशन के हैं? जो फ़ोटोज़ हमने लगाए वो भिवंडी के हैं, भिवंडी में कुछ आरोपियों के पकड़ा गया था, वहाँ के फोटोज हैं। और हमने लेटर दिया अजय गोसालकर सर, जो कमिश्नर के जो राइटर हैं API, उनको दिया हमने लेटर, और एक हमको रिसीव कॉपी मिली हुई है, ये है वो लेटर जो हम दे के आए, हम लेडीज लोग दे के आए, और हमारे साथ हमारे एक्टिव मेंबर नासिर शेख भी गए थे। तो उन्होंने क्या इस लेटर लेने के बाद कुछ आप लोगों को जानकारी दी कि किस तरह का कार्रवाई? नहीं सर, एक्चुअली कमिश्नर सर अपने मीटिंग में बिजी थे तो वो टाइम नहीं दे पाए, 2-3 घंटा हमने 2 घंटा वेट किया है वहाँ पे। उसके बाद अजय गोसालकर सर से मिलकर हमने अपना दिया है मेमोरेंडम, हमारा ये बनता है कि अब हम उसका फॉलोअप लेंगे, क्योंकि हमको तो पता है कि पता नहीं वो करेंगे कि नहीं करेंगे, हमको नहीं पता। तो आप भिवंडी का जिक्र कर रहे हैं कि भिवंडी के पुलिस स्टेशन का, तो वहाँ के भी जो DCP है उनसे भी आप लोग क्या मुलाकात वगैरह करेंगे? कि इंशाल्लाह हम जरूर मुलाकात करेंगे, हम फॉलोअप लेंगे इसका, हमने स्टार्टअप किया है थाना से, हम भिवंडी तक जाएंगे इसके लिए। किस तरह की अपील करना चाहेंगे सभी? अपील सिर्फ इतनी अपील करेंगे कि आप करें अपना काम, अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा करते हैं, जो भी ACP DC सब अच्छा काम करते हैं, लेकिन हमारे नोज पीस का गलत इस्तेमाल मत कीजिए आप आरोपियों को पकड़ रहे हैं, इससे हम आतंकवादी साबित होते हैं। अक्सर देखा जाता है आरोपियों को पहनाने के लिए काले कलर की टोपी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ जो है नकाब नोज पीस जो है वो इस्तेमाल किया गया है। हम इसीलिए अपील करने आए हैं, मेमोरेंडम दिए हैं कि प्लीज आप टोपी पहनाइए, हमारे नोज पीस का गलत इस्तेमाल मत कीजिए, आप लोग अपना काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन हमारे नोज पीस का गलत इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि वो हमारा नोज हमारा हिजाब है वो।
हम उससे मुंह ढाकते हैं, आरोपियों को पिना रहे, इसका मतलब हम आतंकवादी तो नहीं है ना। हम किसी को कुछ बोलने नहीं जा रहे, सिर्फ हमारी अपील है कि नोज पीस का इस्तेमाल आप लोग मत कीजिए, आपको जो करना है कीजिए। मैं भी मई पठान के ऑफिस में हूँ एमआई के, और मैं भी यही कहना चाहूँगी कि मतलब जो जोर आपा ने बोले हैं कि हम लोग ऑफिस में जाकर आए, कमिश्नर ऑफिस में हम लोग मतलब हो गया जमा किया हम लोग ने अपनी एप्लीकेशन, और जो हमारी अभी जो आगे के लिए है हम उसके लिए भी खड़े रहेंगे। जो हिजाब के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहे, यह मसला ये नहीं है हिंदू या मुस्लिम का मसला नहीं आ रहा है, यह मसला से हिजाब का आ रहा है, चाहे वो मुल्ज़िम कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुल्ज़िम तो मुल्ज़िम ही रहता है ना। हमें सिर्फ हिजाब नहीं होगा वो नहीं होना चाहिए हमारा, जो है कि हिजाब का हमारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए गलत, हमें वही मसला है हमारा, और कोई मसला नहीं।